दिस इज मेघा और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज। हम आपको देंगे बॉलीवुड की सारी लेटेस्ट खबरें, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। सोनाक्षी ने चली चाल, अनुष्का के हाथों छीना आईफा फिल्म फेस्टिवल का परफॉर्मेंस। प्रियंका चोपड़ा का उप्स मोमेंट, परफॉर्म करते हुए बीच में ही रुक गया म्यूजिक ट्रैक। शाहरुख खान ने एक बार फिर किया सलमान के गाने पर परफॉर्म, किया हुड़ हुड़ दबंग। लंदन में जॉन ने क्यों घोटा अक्षय का गला। और दिखाएंगे आपको एक अरसे के बाद धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने दिया एक साथ इंटरव्यू। आईफा फिल्म फेस्टिवल में सोनाक्षी सिन्हा ने चली चाल, अनुष्का सिर्फ रणबीर के साथ रिहर्सल करती रही, लेकिन फाइनल परफॉर्मेंस में अनुष्का की जगह ले ली सोनाक्षी सिन्हा ने। वेल, ये पॉसिबल हुआ कैसे, चलिए पता करते हैं। ये फोटोग्राफ टोरंटो में हुए आईफा अवार्ड से आया है। इस फोटो में रणवीर सिंह और सोनाक्षी सिन्हा स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। आईफा से आए इस फोटो पर अब हो गई है कंट्रोवर्सी, क्योंकि रणवीर सिंह के साथ डांस करने के लिए सोनाक्षी ने चली एक चाल। इस चाल से सोनाक्षी सिन्हा ने अनुष्का शर्मा को इस परफॉर्मेंस से बाहर का रास्ता दिखा दिया। पहले रणवीर सिंह को अनुष्का शर्मा के साथ स्टेज पर परफॉर्म करना था, लेकिन लास्ट मिनट में सोनाक्षी ने पता नहीं ऑर्गेनाइजर्स पर ऐसा क्या जादू कर दिया कि उन्होंने रणवीर और अनुष्का की हॉट जोड़ी को तोड़कर सोनाक्षी के साथ रणवीर की जोड़ी बनवा दी। खबर तो यहाँ तक है कि इस परफॉर्मेंस के लिए रणवीर और अनुष्का ने साथ साथ रिहर्सल तक किया था। इसके पीछे की वजह आखिर क्या रही कि रिहर्सल करने के बाद भी अनुष्का इस एक्ट से हटने के लिए राजी हो गईं? क्या सोनाक्षी सिन्हा की किसी जिद की वजह से ऑर्गेनाइजर्स ने लास्ट मोमेंट पर अनुष्का को ड्रॉप करने का फैसला लिया? सोनाक्षी को आईफा में बेस्ट डेब्यू फीमेल का अवार्ड दिया गया, क्या सोनाक्षी इस अवार्ड से खुश नहीं थी? ऑर्गेनाइजर्स ने अनुष्का को कौन सा वादा करके मनाया? क्या अनुष्का को इस एक्ट से हटने के बदले बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला? क्योंकि किसी भी अवार्ड फंक्शन में अभी तक बैंड बाजा बारात के लिए अनुष्का को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला ही नहीं है। और अवार्ड्स की क्रेडिबिलिटी पर तो काफी वक्त से फैंस सवाल उठाते आ रहे हैं। वहां कैसे लास्ट मोमेंट पर सब कुछ बदल जाता है, इस पर मीडिया में अब तक एक बड़ी बहस छिड़ी हुई है। और लास्ट मोमेंट पर अनुष्का को एक्ट से हटाकर उनकी जगह पर सोनाक्षी को स्टेज पर परफॉर्म कराना कहीं किसी फिक्सिंग की तरफ इशारा तो नहीं करता? एक टैबलॉइड में इस तरह की न्यूज भी आई है, जिसमें ऑर्गेनाइजर्स का दावा है कि इस एक्ट के लिए अनुष्का प्रिपेयर नहीं थी। क्या आपको उनके इस दावे पर यकीन है कि अनुष्का डांस के लिए प्रिपेयर नहीं थी? क्योंकि ये हर कोई जानता है कि अनुष्का सोनाक्षी सिन्हा से बेहतर डांसर हैं। लेकिन जिस तरह से ऑर्गेनाइजर्स ने सोनाक्षी को अनुष्का शर्मा से रिप्लेस किया और सोनाक्षी को डांस का मौका दिया, उससे एक बार फिर अनुष्का और सोनाक्षी के बीच कैट फाइट की खबरें गर्म हो गई हैं। और ये भी कि कैट फाइट कैसे लास्ट मोमेंट पर इवेंट्स में चेंजेस करवा सकती है। प्रियंका चोपड़ा ने आईफा फिल्म फेस्टिवल में आशा जी के सॉन्ग्स पर किया परफॉर्म, लेकिन गुफअप तब हो गया जब बीच में ही ट्रैक बजना बंद हो गया और प्रियंका को परफॉर्मेंस के बीच में चुपचाप सबकी शक्लें देखनी पड़ी। इसी तरह आशा जी के सॉन्ग्स पर प्रियंका चोपड़ा आईफा फेस्टिवल में कर रही थी परफॉर्म, लेकिन तभी म्यूजिक बंद हो गया और अगला ट्रैक बजा ही नहीं। हजारों की ऑडियंस सिर्फ प्रियंका को देख रही थी और प्रियंका ट्रैक के बजने का इंतजार। काफी वक्त हो गया, लेकिन प्रियंका का अगला ट्रैक बजा ही नहीं। वेल, इससे पहले कि ये टेक्निकल गूफ अप पूरा मूड स्पॉइल करता, प्रियंका चोपड़ा ने दिखा दिया कि वो इस तरह की क्राइसिस को कैसे मैनेज कर सकती हैं। प्रियंका स्टेज से उतरकर ऑडियंस के बीच में चली गई और वहां जाकर कुछ न कुछ डांस मूव्स करके उनको चेयर अप करती रही। सबका अटेंशन प्रियंका की इन एक्टिविटीज पर चला गया और इसी बीच फाइनली ट्रैक बज गया। तो कुछ इस तरह प्रियंका ने अपने परफॉर्मेंस को फ्लॉप होने से बचा लिया और फिर स्टेज पर जाकर एक बार फिर से आशा जी के सॉन्ग्स पर ठुमके लगाकर सबको किया एंटरटेन। लगता है
सलमान खान के सॉन्ग्स पर डांस करना बहुत पसंद है, क्योंकि पहले ढिंका चिका और अब दबंग। हर फंक्शन में शाहरुख परफॉर्म कर रहे हैं सलमान के गानों पर। देखिए तो सही किस गाने पर कौन डांस कर रहा है। बिल्कुल सही देख रहे हैं आप, सलमान खान के सॉन्ग्स पर परफॉर्म कर रहे हैं शाहरुख खान, और ये हुआ 12th इंडियन इंटरनेशनल फिल्म एकेडमी अवार्ड फंक्शन के दौरान। शाहरुख ने पहले तो अपने सॉन्ग्स पर परफॉर्म किया, लेकिन जाते जाते ऑडियंस को एंटरटेन करने के लिए दिखा ही दिया दबंग वाला स्टाइल भी। लेकिन ये पहली बार नहीं है जब शाहरुख ने सलमान के गानों पर परफॉर्म किया हो। इससे पहले हैदराबाद में हुई रेडीज की मैरिज में शाहरुख खान सलमान के सॉन्ग ढिंका चिका पर अपने डांस मूव्स करते नजर आए थे। वेल, अब इन सब के पीछे शाहरुख का लक्ष्य ऑडियंस को एंटरटेन करना है या फिर मीडिया में न्यूज बनाना, ये तो नहीं पता। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहा जा सकता है कि कल तक जिन सलमान के बारे में बात करने तक शाहरुख अनकंफर्टेबल नजर आते थे, आज उन्हीं सलमान के सॉन्ग्स पर थिरकने में शाहरुख बिल्कुल कंफर्टेबल नजर आ रहे हैं। कहीं ये शाहरुख का सलमान की तरफ दोस्ती करने का नया इशारा तो नहीं? और अब हम आपको दिखाते हैं टोरंटो में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की जूम के साथ खास बातचीत। इस फिल्म के साथ आप कितनी क्लोजली एसोसिएटेड हैं? इस बात से लगता है कि आप जो भी मेंबर पोडियम पर आ रहा था उसके लिए काफी उत्साहित हो रही थी, आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ रही थी। क्योंकि मैं प्रोड्यूसर डायरेक्टर हूँ और बाकी सब हमारे एक्टर हैं, तो उस ढंग से मैं देखती हूँ। जितनी फिल्में रही है, अपने रही है या फिर तो यमला पगला दीवाना रही है, एक अच्छा सक्सेस स्टोरी रहा है। जैसे मैंने धर्म जी से बात करा था, तो इन्होंने कहा शो बिज नहीं रहा, शो ऑफ बिजनेस एक बन गया है। हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स इट इज। बहुत ही अच्छा लगा, डायरेक्टर तो मुझे अब मिला है आकर। हम घर पे भी डेट करती हैं और बाहर भी डेट करते हैं। नहीं, ऐसा सब जगह मैं भी करता हूँ। इस फिल्म के साथ जुड़े हुए आपके जो बाकी कलाकार हैं और हेमा जी जैसे, दे आर ऑल सिंपली ग्रेट, दे हैव वर्क्ड लाइक फैमिली मेंबर्स एंड दे हैव गिवन देयर बेस्ट। One tip which you like to imagine about the promotions, as you're saying, the promotion should be wide and like open in the area, and it's like word to word, mouth to mouth publicity. Well, it is everybody tip to her. No, it's just she knows a lot. It's the demand of the time that we go for promotion. What we are doing right now? We are doing the promotion only, na? साजिद नाडियाडवाला को आखिर सलमान खान के आगे झुकना ही पड़ा। साजिद ने सलमान खान की सारी डिमांड्स मान ली है। वो अपनी फिल्म में किक के लिए सलमान खान को 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देंगे और इसके साथ साथ डायरेक्टर भी रखेंगे सलमान की ख्वाहिश का ही। सलमान खान के आगे साजिद नाडियाडवाला को आखिर झुकना ही पड़ा। साजिद नाडियाडवाला को सलमान खान की हर एक शर्त माननी पड़ी। अपनी फिल्म किक के लिए अब साजिद नाडियाडवाला सलमान को 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा देंगे। और तो और, साजिद नाडियाडवाला ने सलमान की डिमांड पर डेविड धवन की जगह शिरीष कुंदर को एज अ डायरेक्टर भी रख लिया है। दरअसल सलमान खान साजिद नाडियाडवाला से खफा थे, क्योंकि साजिद नाडियाडवाला ने सलमान के साथ जुड़वा, हर दिल जो प्यार करेगा, मुझसे शादी करो की जैसी फिल्मों में काम तो किया, लेकिन 2006 के बाद जब सलमान का बॉलीवुड में लो फेज आया था, तो साजिद नाडियाडवाला ने सलमान को किनारा करके उनकी जगह अक्षय कुमार के साथ फिल्म्स बनाना शुरू कर दिया। ये बात सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इसलिए जब दबंग की सक्सेस के बाद साजिद नाडियाडवाला सलमान को अप्रोच कर रहे हैं, तो सलमान भी उन्हें मजा चखा रहे हैं, कभी डेट्स ना देकर तो कभी अपनी फीस में 5 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मांगकर, कभी डायरेक्टर को बदलने की डिमांड तो कभी कुछ और। लेकिन साजिद नाडियाडवाला ने सलमान की हर एक शर्त को मान लिया है और इसीलिए अब वो सलमान के साथ नवंबर में अपनी फिल्म की शूटिंग करने जा रहे हैं। खबरों की माने तो फिल्म किक की शूटिंग 18 नवंबर से शुरू हो जाएगी और फिल्म को मुंबई और साउथ कोरिया में शूट किया जाएगा। लंदन से जूम को न्यूज मिली है कि जॉन और अक्षय के बीच में जमकर हुई लड़ाई। लड़ाई इतनी बढ़ गई कि जॉन ने अक्षय का गला तक घोट डाला। जॉन और अक्षय के बीच में हुई लड़ाई, जॉन ने खोदा अक्षय का गला, अक्षय ने भी जॉन को कस कर लगाए दो चार। Well, इससे पहले कि आप इस नतीजे पर पहुंचे कि बॉलीवुड के इन दो हंग्स के बीच में बड़ा पंगा हो गया है, पहले जरा पूरी खबर सुन लीजिए। और खबर ये है कि दोनों के बीच जमकर लड़ाई तो हुई, लेकिन फिल्म के लिए।
दरअसल हुआ यूं कि फिल्म में एक सीन था जिसमें अक्षय और जॉन दोनों ने एक दूसरे का गला घोटना था। दोनों सीन करने में इतने खो गए कि सच में एक दूसरे का गला घोटने लग गए। साजिद ने लंदन से बताया कि वो कट कहते रहे लेकिन दोनों नहीं रुके। सेट पर अफरा तफरी मच गई। साजिद की माँ ने तो अक्षय और जॉन दोनों का चेहरा लाल हो गया था और दोनों की आंखें बाहर आ गई थी। फाइनली साजिद खान को बीच में आना पड़ा, तब दोनों ने एक दूसरे का गला छोड़ा। वी वंडर कि दोनों टॉप स्टार्स का ये सीन परफेक्शन के लिए था या फिर दोनों को सच में आ गया एक दूसरे के लिए इतना गुस्सा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। सिंगर उदित नारायण के बेटे आदित्य नारायण को पड़ गया जोरदार थप्पड़ जब वो एक 5-स्टार होटल में एक लड़की को छेड़ने की कोशिश कर रहे थे। आदित्य नारायण को पड़ा थप्पड़। आदित्य नारायण के गाल में एक मिस्टीरियस गर्ल ने मारा जोरदार तमाचा। कब, कहां और क्यों? जूम आपको इसकी सारी डिटेल देने जा रहा है। दरअसल रिसेंटली आदित्य नारायण मुंबई सबर्बन रेस्टो बार में अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे। वहाँ वो मौज और मस्ती के मूड में थे और फुल्ली ड्रंक भी। वेल, आदित्य ने वहाँ एक हॉट मिस्टीरियस गर्ल को देखा तो उनके पास चले गए। इसके बाद वो उस मिस्टीरियस गर्ल के साथ बातें करने की कोशिश करने लगे। जब उस गर्ल ने कोई भाव नहीं दिया तो आदित्य ने उस गर्ल पर कुछ स्नाइड कॉमेंट्स तक कर डाले। इतना ही नहीं, आदित्य इतने ड्रंक थे कि वो उस गर्ल पर गिर भी गए। बस फिर क्या था, उस मिस्टीरियस गर्ल ने आप देखा ना ताब, जड़ दिया आदित्य के गाल पर एक थप्पड़। हालांकि आदित्य नारायण ने इस बात को साफ डिनाई किया है। उन्होंने ये तो माना है कि वो 5-स्टार होटल में अपने फ्रेंड्स के साथ गए हुए थे जहां उनका वर्बल डिस्प्यूट हुआ, लेकिन इस बात को कन्फेस नहीं किया कि किसी ने उन्हें थप्पड़ मारा। वेल, जब इस मामले में हमारी आदित्य नारायण से बात हुई तो उनका कुछ ये कहना था। When you're drunk, you don't know how you behave. So, you know, sometimes you she might be having trying to have a conversation with me, but you know, I'm how can I just, you know, pick up a conversation with some drunk girl in a club who is just, you know, trying to approach me in front of like 1,000 people and knows that, you know, yes, I was having a few beers, but it's not something that, I mean, it would take me generally about 20 bottles. It's not a slap. She tried to touch me, you know, basically like trying, and you know, when you just try to tap someone on the shoulder or on the chest or on the face. Well, जो भी हो, सिंगिंग के लिए तो नहीं, लेकिन हाँ, अपनी इस तरह की हरकतों की वजह से आदित्य नारायण एक बार फिर से लाइमलाइट में आ गए हैं। ज़हीर खान और ईशा शेरवानी पब्लिकली हमेशा अपने लिंकअप की खबरों को डिनाई करते हैं, लेकिन अब खबर आई है कि ईयर एंड तक दोनों कर लेंगे एंगेजमेंट। ज़हीर खान पहनेंगे ईशा शेरवानी के नाम की शेरवानी तो ईशा पहनेंगी ज़हीर के नाम की अंगूठी, क्योंकि खबर आई है कि ज़हीर खान और ईशा शेरवानी दोनों ने इस ईयर के एंड तक एंगेजमेंट करने की प्लानिंग कर ली है। हालांकि ऑफिशियली ये बात ना तो ज़हीर खान ने कन्फेस की है और ना ही ईशा शेरवानी ने, लेकिन दोनों के ही कॉमन क्लोज फ्रेंड ने मीडिया में ये बताया है कि शादी के बारे में तो ये कपल अभी नहीं सोच रहा, लेकिन हाँ, एंगेजमेंट करने के लिए जरूर तैयार है। और क्लोज फ्रेंड की माने तो दिसंबर 2011 से पहले दोनों एंगेजमेंट कर भी लेंगे। वैसे बता दें कि ईशा शेरवानी और ज़हीर खान में रिलेशनशिप 2007 से चला आ रहा है, लेकिन बीच में दोनों के बीच हो गया था ब्रेकअप। बट नाउ दे आर बैक अगेन एंड स्पेंडिंग क्वालिटी टाइम विद ईच अदर। सो अब ये सब सुनकर हम क्यों ना कहें कि ब्रेकअप के बाद की कहानी अब प्यार की निशानी पहनने वाली है। वी मीन री एंगेजमेंट रिंग। नाउ वी शो यू लेटेस्ट पिक्चर्स फ्रॉम बॉलीवुड। बॉलीवुड की गलियों से छिपते छिपाते हम एक बार फिर हैं हाजिर बॉलीवुड की लेटेस्ट पिक्चर्स को लेकर। सो हियर वी गो। शुरुआत करते हैं करीना कपूर की इन पिक्चर्स से जो क्लिक की गई है मुंबई एयरपोर्ट पर। करीना इन पिक्चर्स में विदाउट मेकअप है और लग रही है अ बिट सैड भी। वी वंडर कि कहीं इसकी वजह रिसेंटली आई सैफ और करीना के ब्रेकअप की खबरें तो नहीं। एनीवे वी मूव ऑन और दिखाते हैं आपको कि अनुष्का कैसे कर रही है ऐश्वर्या राय बच्चन को कॉपी। एक नजर देखिए जरा अनुष्का आईफा अवार्ड्स में क्या पहनकर आई हैं। और अब जरा ये देखिए कि 2009 में ओपरा विनफ्री के शो में ऐश्वर्या राय बच्चन ने क्या पहना है। यस, यू गॉट इट राइट, अनुष्का शर्मा ने पहनी है सिमिलर ड्रेस जो ऐश्वर्या ने 2009 में पहनी थी। वेल, बढ़ते हैं आगे और दिखाते हैं शाहरुख खान की लेटेस्ट पिक्चर जो उन्होंने खुद डाली है सोशल नेटवर्किंग साइट पर। As always, शाहरुख गॉगल्स के साथ इस पिक्चर में लग रहे हैं कूल और क्लासी। और जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आईफा फिल्म फेस्टिवल के कुछ खास मोमेंट्स के साथ। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट डोंट गो अवे बिकॉज़ कमिंग अप आफ्टर द ब्रेक, शीला की जवानी पर समीरा का फ्लॉप डांस।
गाड़ी पर भी चढ़ गई शीला जैसी जवानी, क्योंकि एक रीसेंट इवेंट पर वो भी शीला की तरह ठुमके लगाने लगी। लेकिन समीरा के ठुमके सिजलिंग कम और ठंडे ज्यादा लग रहे थे। मुन्नी और शीला गानों पर तो अब तक काफी एक्ट्रेसेस ने परफॉर्म किया था, मगर जरा समीरा रेड्डी के ठुमके भी देख लीजिए। जैसे हिट सॉन्ग्स नेशनल इशू तो बन ही गए थे, और शायद ही बॉलीवुड की कोई एक्ट्रेस होगी जिसने इस गाने पर परफॉर्म नहीं किया होगा। जी हाँ, और अब समीरा रेड्डी ने भी अपनी परफॉर्मेंस के लिए इन्हीं गानों का सहारा लिया है। मगर जरा समीरा का डांस भी देख लीजिए और खुद जज कर लीजिए कि मुन्नी शीला क्या सोचेगी इसे देख कर। ना ही शीला की जवानी काम आई और ना ही काम आया मुन्नी का झंडू बाम। एक तरफ ये है हमारी मुन्नी का डांस और दूसरी तरफ ये है समीरा का नॉट सो हैपनिंग ठुमके। और शायद इन सब के पीछे वजह है हमारी नॉट सो फिट समीरा का फिगर। चाहे वो कोशिश काफी कर रही हो, मुन्नी और शीला जैसा फिगर ना होने के कारण हो गया उनका ये परफॉर्मेंस फ्लॉप। यहाँ तक कि जब परफॉर्मेंस के दौरान उनको लिफ्ट करने का आया एक सीक्वेंस, तो कुछ यूं बेचारे चार लड़के भी काम नहीं आए हमारी समीरा को उठाने में। माना हमने समीरा आप आजकल स्टंट सीखने में है काफी बिजी, पर क्या स्टंट्स के लिए फिट रहना जरूरी नहीं? या फिर यूं कहा जाए कि इन स्टंट्स को सीखते सीखते आप भूल गए हैं डांस स्टेप। हेमा मालिनी की बेटी ईशा देओल की फिल्म में कोई आइटम नंबर नहीं है, और हेमा मालिनी का कहना है कि उन्होंने आइटम नंबर इसलिए नहीं रखा क्योंकि वो अपनी फिल्म में अश्लीलता को प्रमोट नहीं करना चाहती। हेमा मालिनी मानती है आइटम नंबर्स को अश्लील। हेमा मालिनी मानती है आइटम नंबर्स को प्रमोशन का जरिया, और इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी की फिल्म टेल मी ओ खुदा में कोई भी आइटम नंबर नहीं रखा। हेमा मालिनी ने ये कहा है कि अगर फिर भी बहुत ज्यादा जरूरत हुई तो वो आइटम नंबर रखेंगी तो सही, लेकिन हाँ, उसमें कोई भी अश्लीलता नहीं होगी। वैसे हेमा मालिनी शायद भूल गई है कि जिन ईशा देओल की वो बात कर रही है, उन्होंने मनी है तो हनी है मैं आइटम नंबर भी किया था, जो पॉपुलर इसीलिए नहीं हो पाया क्योंकि ईशा कुछ खास डांस नहीं कर पाई थी। Well, अब ईशा को शीला और मुन्नी की तरह नाचना नहीं आता, तो कहीं इसीलिए हेमा मालिनी नाचना जाने आंगन टेढ़ा वाली बात तो नहीं कर रही, क्योंकि कल तक उनकी बेटी खुद आइटम नंबर्स करती थी और आज वो खुद कह रही है कि आइटम नंबर सिर्फ अश्लीलता है और कुछ भी नहीं। Planet Bollywood News में फिलहाल वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का, but don't go away because coming up after the break, Bheja Pride 2 की सक्सेस पार्टी में विनय पाठक की मस्ती। रिसेंटली हुई मुंबई में फिल्म भेजा फ्राई 2 की सक्सेस पार्टी, जहां विनय पाठक नजर आए सभी का भेजा फ्राई करते हुए, जरा आप भी देखिए। भेजा फ्राई 2 की स्टार कास्ट ने सेलिब्रेट की अपनी फिल्म की सक्सेस, और इससे पहले कि हम आपको मिलवाए यहां पहुंचे हुए बाकी स्टार्स से, जरा विनय पाठक से मिल लीजिए। विनय भेजा फ्राई के बाद अब एक बार फिर आ गए हैं भेजा फ्राई करने इस फिल्म के सीक्वल में, और सीक्वल्स की बात पर पका रहे हैं सबको। अब सीक्वल क्यों बनाना चाहिए, किसने बनाया था, आगे कौन बनाने वाला है, उसके आविष्कारक ने ऐसा क्यों किया, उसको उसका आविष्कार करने वाले कौन थे, इन सब का जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका जवाब बहुत ज़रूरी है तो मैं ज़रूर शोध करके रिसर्च करके
आप तक वापस पहुंचने की कोशिश। वेल, अगर विनय की बकबक सुनकर आपके कान पक गए हैं तो आपको मिलवा देते हैं पार्टी के बाकी मेहमानों से। तुषार कपूर भी यहां आए थे भेजा फ्राई 2 की टीम को सपोर्ट करने, और फिर विनय, मिनीषा लांबा और के मेनन तो पहले ही थे यहां अपनी फिल्म की सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए। दिस इज द राइट टाइम वेयर एवरीवन कैन कम एंड यू नो हैव अ गुड टाइम, और इफ द फिल्म इज सक्सेसफुल तो फिर वो एक एडेड बोनस होता है। भेजा फ्राई 2 हैज डन far better compared to Vijay Sahiba, but two films can't be compared. I think each film on its own, but I think Vijay Sahiba 2 has done a lot of good business. Oh really, KK? तब तो we must say कि इतनी बड़ी success के comparison में लगता है ये party काफी छोटी रह गई है। With this, it's a wrap. See you tomorrow at 7 p.m. for your daily dose of B Town's hottest news, gossip, and scoops. Only on Planet Bollywood News. Till then, keep watching Zoom, India's number one Bollywood channel.